नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसी सप्ताह हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार, सिंधिया मोदी सोनोवाल जैसे नामों की चर्चा। मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे पशुपति, अमित शाह ने की भारत से बात, केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा तेज। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी बड़ी अंदरूनी कलह, शैलजा की जगह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। सीएम योगी ने मंच से पूछा, अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं, जानिए क्या मिला जवाब। टूलकिट केस पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे नजरअंदाज करें। उत्तर प्रदेश के आगरा से आरिफ से बना आदित्य, घर में बुलाता था लड़कियां, सीसीटीवी फुटेज से जानिए और क्या हुआ खुलासा। बुधवार को होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर हो सकता है बड़ा फैसला। राष्ट्रपति से मिला टीएमसी का डेलीगेशन, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग। धर्मांतरण मामले में दिल्ली बार काउंसिल का बड़ा एक्शन, अपने चैम्बर में निकाह कराने वाले वकील का लाइसेंस सस्पेंड। सीएम खट्टर को पाकिस्तानी कहने पर भड़के पंजाबी, हिसार में चडूनी का पुतला जलाकर जताया विरोध। ग्रेटर नोएडा पत्नी की हत्या कर सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने दी जान, सुसाइड नोट में बताई पत्नी से विवाद की वजह। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर सख्ती जारी, लाजपत नगर मार्केट भी बंद, डीडीएमए ने मार्केट एसोसिएशन को भेजा कारण बताओ नोटिस। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।